जननायक चौधरी देवीलाल का नाम आज भी तमाम राजनीतिक दल सम्मानजनक के रूप में लेते हैं। वहीं हरियाणा की राजनीति में ही नहीं बल्कि देश विदेश में भी जननायक चौधरी देवीलाल के नाम की एक खास पहचान है। वहीं किसानों के मसीहा के रूप में माने जाने वाले चौधरी देवीलाल का परिवार आज भी हरियाणा की राजनीति में अपनी एक अलग ही भूमिका अदा कर रहा है। हालांकि इस परिवार के कुछ सदस्य वर्तमान सरकार में अपनी भूमिका अदा कर रहे हैं तो कुछ किसानों के समर्थन में अपने पद से इस्तीफा देने तक से भी पीछे नहीं हटे। वहीं तीन कृषि कानूनों को लेकर सरकार के विरुद्ध खुला मोर्चा खोले हुए किसानों ने स्पष्ट तौर से जाहिर किया है कि अगर जननायक देवीलाल के दिखाए मार्ग पर चलने वाले अजय सिंह चौटाला, दुष्यंत चौटाला जो कि वर्तमान सरकार में उप मुख्यमंत्री के पद पर सरकार में भागीदारी जाहिर कर रहे हैं, अगर वह जननायक चौधरी देवीलाल की नीतियों पर चल रहे हैं तो उन्हें तुरंत प्रभाव से अपने पद से इस्तीफा देकर किसानों के साथ लड़ाई में खड़े होने का काम करना चाहिए। वहीं अब हम बात करेंगे दूसरी ओर, चौधरी अभय सिंह चौटाला ने चौधरी जननायक देवीलाल की नीतियों पर चलते हुए, उनके दिखाए मार्ग पर चलते हुए उन्होंने किसानों की लड़ाई में अपने विधायक पद से इस्तीफा देकर उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा होने का काम किया है, जिसके चलते आज भी लोगों की जुबान पर एक ही नाम है। जुबान के धनी चौधरी अभय सिंह चौटाला को लेकर आम जन का एक ही नारा है, अभय ही सत्य है। हालांकि अभय सिंह चौटाला के इस्तीफा देने के बाद एलनाबाद की विधानसभा में एक बार फिर से उपचुनाव में एलनाबाद की जनता ने महापंचायत के दौरान फिर से अभय सिंह चौटाला को एलनाबाद से विधानसभा में भेजने के लिए एक सुर में उनका नाम लिया, जिसको लेकर चौधरी अभय सिंह चौटाला ने उन सब की सहमति से फिर से एलनाबाद के उपचुनाव में इनेलो से अपनी ताल ठोक दी। अब देखना तो खैर ये है कि एलनाबाद की महापंचायत ने जिस जोर शोर से अभय सिंह चौटाला का नाम रखा है वह कितने भारी मतों से उन्हें विजेता बनाने का काम करेंगे, खैर ये तो आने वाला समय ही बताएगा।